बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर शुरू करते हैं ग्लोब एंड मैप का पार्ट वन। इसमें हम ग्लोब्स के बारे में पढ़ेंगे, ग्लोब्स क्या होते हैं और मैप्स के बारे में कि मैप्स क्या होते हैं, ग्लोब और मैप में डिफरेंस क्या है और उनका पर्पस क्या है। और इस लेक्चर की जो मेन आउटलाइंस हैं वो हैं द हेमिस्फीयर, मतलब कि हेमिस्फीयर क्या होता है, द इक्वेटर, द प्राइम मेरिडियन, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एंड द लास्ट वन इज़ इंडेक्स। कि इसमें हम पढ़ेंगे हेमिस्फीयर के बारे में, इक्वेटर के, प्राइम मेरिडियन के बारे में, लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में और इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हेमिस्फीयर के बारे में। हाफ ऑफ द अर्थ यूजली एज डिवाइडेड इंटू नॉर्थर्न एंड साउथर्न हाफ बाय द इक्वेटर। के एक ऐसा ज़मीन के ऐसे टू हाफ, मतलब लाइक नॉर्थर्न हाफ एंड साउथर्न हाफ, इनके शुमाली हिस्सा और मगर जनूबी हिस्सा, जिसको इक्वेटर की मदद से दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसे बोलते हैं हेमिस्फीयर। लाइक दिस, कि अगर तो वो उसे इक्वेटर की मदद से हाफ को, ज़मीन को टू हाफ्स में डिवाइड किया जाएगा, तो इसका मतलब कि इसमें ज़मीन के जो टू हाफ्स हैं, वन हाफ होगा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द अदर वन इज़ साउथर्न हेमिस्फीयर। के नॉर्थ साइड का हेमिस्फीयर एंड साउथ साइड का हेमिस्फीयर। और अगर इसको प्राइम मेरिडियन के मदद से ज़मीन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, तो इसके टू पार्ट्स होंगे, टू हेमिस्फीयर्स होंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लाइक ईस्ट साइड पे जो हेमिस्फीयर होगा या पार्ट होगा उसको ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, और जो वेस्ट साइड पे हाफ पार्ट होगा ज़मीन का, अर्थ का, उसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। नेक्स्ट है इक्वेटर, एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ हॉरिजॉन्टली इनटू हाफ्स। के एक ऐसी इमेजिनरी लाइन, एक ऐसी फर्जी लाइन जो कि ज़मीन को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, टू हाफ्स में डिवाइड करती है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली मतलब फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि राइट टू लेफ्ट जो अर्थ को या ज़मीन को डिवाइड करती है टू पार्ट्स में, से हम कहते हैं कि वो इक्वेटर है। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो कि जिन दो पार्ट्स में ज़मीन को डिवाइड करता है इक्वेटर, वो है उसमें से फर्स्ट वन इज़ नॉर्थर्न हेमिस्फीयर जो कि नॉर्थ साइड में होता है, और अदर वन इज़ साउथर्न हेमिस्फीयर जो कि साउथ डायरेक्शन में, कि साउथ के साइड में होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं हेमिस्फीयर अलोंग इक्वेटर। कि अगर हम ज़मीन को इक्वेटर के थ्रू टू पार्ट्स में डिवाइड करें, तो हेमिस्फीयर कौन कौन से होंगे, उसमें दो हेमिस्फीयर होंगे, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, यानी कि नॉर्थ साइड का हाफ पार्ट और साउथ साइड का हाफ पार्ट। इसमें एक नॉर्थ होगा और एक साउथ होगा। नेक्स्ट आता है प्राइम मेरिडियन। तो प्राइम मेरिडियन क्या होता है, कैन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड द अर्थ वर्टिकली इनटू हाफ, इनके एक ऐसी फर्जी लाइन जो ज़मीन को टू हाफ्स में डिवाइड करती है वर्टिकली। वर्टिकली मींस अप टू डाउन, इनके ऊपर से नीचे की तरफ जो ज़मीन को डिवाइड करेगी टू पार्ट्स में, से हम बोलेंगे ये प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन भी ज़मीन को टू हाफ्स में डिवाइड करता है, जो कि फर्स्ट वन जो हाफ है वो है ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर ईस्ट साइड पे है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में का जो हाफ होगा ज़मीन का पार्ट, उसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। और जो सेकंड है वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो कि वेस्ट साइड के या वेस्ट डायरेक्शन का जो हाफ पार्ट होगा ज़मीन का, उसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, जो कि वेस्ट साइड में है। हेमिस्फीयर अलोंग प्राइम मेरिडियन, के हेमिस्फीयर वो ज़मीन के हेमिस्फीयर, इनके ज़मीन की ऐसी डिवीजन जो कि हम प्राइम मेरिडियन के थ्रू करते हैं ज़मीन की, तो उसमें जो ज़मीन के टू हेमिस्फीयर्स होंगे या टू पार्ट्स होंगे, वो होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यानी कि वेस्ट साइड का, वेस्ट डायरेक्शन का हेमिस्फीयर और ईस्ट साइड का हेमिस्फीयर। तो जो वेस्ट का होगा उसे वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे, और जो ईस्ट का होगा उसे ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। नेक्स्ट आता है लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहते हैं लाइन्स डैट रन्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर। कई ऐसी लाइन्स होती हैं जो इक्वेटर के पैरेलल, इक्वेटर की ही डायरेक्शन में ईस्ट टू वेस्ट मूव करती हैं या ड्रॉ की जाती हैं, उनको हम लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। लाइक दिस, कि इक्वेटर है, इक्वेटर के साथ ही, यानी कि इक्वेटर के डायरेक्शन में ही, इक्वेटर के पैरेलल ही जो लाइन्स ड्रॉ की जाती हैं, उनको हम लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और इनको हम मेजर करते हैं डिग्रीज में। दीज लाइन्स 180, इनके ये 180 हैं, इनके टोटल जो नंबर है, इनकी जो तादाद है वो 180 है, और जो जिनमें से 90 जो है वो नॉर्थ में होंगी और 90 जो होंगी वो साउथ में होंगी, क्योंकि इनको ये ईस्ट टू वेस्ट ड्रॉ की जाती हैं, तो इसीलिए जो इनकी पार्ट्स की डिवीजन होगी उसमें 90 जो लैटिट्यूड्स लाइंस हैं वो इसकी नॉर्थ में होंगी, और 90 ही लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड इसके साउथ में होंगी।
नेक्स्ट है लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, लाइन्स दैट रन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पैरेलल टू द प्राइम मेरिडियन, कि ऐसी लाइन्स जो कि नॉर्थ टू साउथ उसको ड्रा किया जाता है और ये होती हैं प्राइम मेरिडियन के पैरेलल, के जिस डायरेक्शन में प्राइम मेरिडियन होती है उसी डायरेक्शन में लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स भी होती हैं। इनको भी हम डिग्रीज़ में मेजर करते हैं और इनकी जो टोटल तादाद है, जो नंबर है वो 360 है और जिनमें से 180 जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में है जो, और दूसरे जो 180 है वो इसकी वेस्ट डायरेक्शन में है। ये है अगर हम ग्लोब को देखें तो ग्लोब में भी इस तरह से ही कुछ लाइंस ड्रॉ की होती हैं जिनमें से कुछ लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स होती हैं, कुछ लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, प्राइम मेरिडियन होता है और इसके अलावा इक्वेटर होता है। इक्वेटर और प्राइम मेरिडियन में इनको टू हाफ्स में डिवाइड करते हैं और जो इक्वेटर होगा वो उसको नॉर्थ में और साउथ, नॉर्थ और साउथ दो हाफ्स में डिवाइड करेगा और जो प्राइम मेरिडियन होगा वो ज़मीन को या अर्थ को ईस्ट एंड वेस्ट में इन दो हाफ्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट इंडेक्स है, तो इंडेक्स एक ऐसा अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ नेम, एक ऐसा अल्फाबेटिकल लिस्ट है जिसकी मदद से हम अगर हम देखें जो कि हेल्प करता है मैप को रीड आउट करने में, लाइक जिस तरह अगर हम अपनी बुक का इंडेक्स देखें तो बुक के इंडेक्स में पेज नंबर होता है और पेज नंबर के साथ ही पेज नंबर के आगे उसकी वो लिख दिया जाता है कि ये जो टॉपिक है ये इस पेज पे है और ये जो टॉपिक है वो इस पेज पे है। तो इसकी तरह से मैप को रीड आउट करने के लिए भी हमें इंडेक्स की ज़रूरत पड़ती है। इंडेक्स में ये एक ऐसा अल्फाबेटिकल लिस्ट है जिसमें नाम भी होते हैं पीपल्स के, प्लेसेस के, और उनके पेज नंबर भी लिख दिए रहते हैं कि ये जो टॉपिक है वो किस पेज पे है और ये जो टॉपिक है वो किस पेज पे है। इट हेल्प्स टू फाइंड लोकेशंस ऑन द मैप, तो इसकी मदद से हमें लोकेशंस को फाइंड आउट करने में भी मदद मिलती है। लाइक अगर हमने कोई एक स्पेसिफिक प्लेस को, इनके लाहौर को, नरवाल को, या इस तरह से इन प्लेसेस को भी फाइंड आउट करना है तो इनके भी हमें इंडेक्स में जो गाइडलाइन है वो हमें मिल जाएगी कि ये जो लाहौर की प्लेस है इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है अपना हमारे जो मैप है उसमें किस पेज पर है, जो बुकलेट है उसमें किस पेज पर है। इसके अलावा इट आल्सो गिव्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ लिस्ट ऑफ इट्स लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स, तो इसके अलावा हमें जो इंडेक्स है ये हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की डायरेक्ट जो जो उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी प्रोवाइड करता है कि लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स किस तरह से हैं और लॉन्गिट्यूड्स क्या क्या हैं और किस तरह से हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि पाकिस्तान की जो कंट्री है वो इन एशिया में है, उसके पाकिस्तान जो है वो कंट्री का नाम है, इनके कंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। नेक्स्ट के ये बताया गया कि ये एक कंट्री कहाँ पे है कि एशिया में है, तो ये उसकी लोकेशन बता दी गई है कि उसकी लोकेशन क्या है कि वो एशिया में है। नेक्स्ट है कि 30 डिग्री नॉर्थ, इनके 30 डिग्री वो नॉर्थ साइड पे है और 73 डिग्री जो वो ईस्ट साइड पे है। इसका मतलब कि वो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड भी बता रहा है, लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड भी बता रहा है। तो ये है एक इंडेक्स, इंडेक्स की मदद से हमें एक पूरी जो एक प्लेस है लाइक पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की लोकेशन को फाइंड आउट करने में हमें बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट न्यू टर्म्स है, न्यू टर्म्स में फर्स्ट है ग्लोब, के ग्लोब क्या होता है, अ मैप ऑफ द वर्ल्ड मेड इन शेप ऑफ अ बॉल, के ज़मीन का या दुनिया का एक ऐसा नक्शा जिसको हम बॉल की शेप में ड्रॉ करते हैं तो उसे हम कहते हैं ये ग्लोब है। मैप एन इमेज ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन द पेपर, के ज़मीन के मुख्तलिफ प्लेसेस हैं या ज़मीन के मुख्तलिफ फीचर्स हैं उनको एक पेपर में ड्रॉ करना उसको हम कहते हैं मैप। हेमिस्फेयर्स, वन हाफ ऑफ द अर्थ इज मीन का हाफ, एक हाफ हो गया, इनके टू हाफ्स में डिवाइड करते हैं तो उसमें जो वन हाफ होगा वो भी हेमिस्फीयर होगा, उनसे जो अदर हाफ होगा उसे भी हम हेमिस्फीयर ही बोलेंगे। लॉन्गिट्यूड्स लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ ऑफ इक्वेटर, कि ये लॉन्गिट्यूड ऐसी लाइन होती हैं जो जिनको हम ड्रॉ करते हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ और जो इक्वेटर के पैरेलल होती हैं। लैटिट्यूड्स लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर, की कैसी लाइन्स होती हैं जिनको हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ ड्रॉ करते हैं और ये पैरेलल होती हैं इक्वेटर के। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैडिक्टरी का क्वेश्चन नंबर वन, व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड द प्राइम मेरिडियन, के प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर का में डिफरेंस क्या है। इक्वेटर का सबसे पहले हम बताते हैं कि इक्वेटर क्या है। इक्वेटर इज अ लाइन ऑफ लैटिट्यूड दैट डिवाइड्स अ वर्ल्ड मैप इनटू द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, का एक ऐसी लैटिट्यूड लाइन है, इनके लैटिट्यूड्स के इक्वल या लैटिट्यूड्स की तरह की ही एक लाइन है जो कि वर्ल्ड के मैप को, दुनिया के नक्शे को टू हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है और वो हेमिस्फीयर्स कौन कौन से, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर, के नॉर्थ साइड का हाफ एंड साउथ साइड का हाफ, तो उसे हम बोलते हैं जो ज़मीन को इन दो हाफ में डिवाइड करते हैं हम कहते हैं कि ये इक्वेटर है।
यानी कि अगर इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर जो है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर होगा और जो नीचे होगा वो साउथर्न हेमिस्फीयर होगा। नेक्स्ट आ जाती है प्राइम मेरिडियन, एंड द प्राइम मेरिडियन इज अ लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी कि ये लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड यानी कि लॉन्गिट्यूड लॉन्ग साइड पर डायरेक्शन होगा, अप टू डाउन डायरेक्शन में जो लाइन होगी उसे हम प्राइम मेरिडियन बोलेंगे। दैट डिवाइड्स अर्थ इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर, जो कि जमीन को मशरिक ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न पार्ट में और वेस्टर्न पार्ट में डिवाइड करती है, उसे हम बोलते हैं कि ये प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन अप टू डाउन जा रही है मिड में, और इसको जमीन को किन दो पार्ट में डिवाइड करिए, वेस्टर्न ईस्ट में और वेस्ट में इनके ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। डायरी में आपने न्यू टर्म्स का क्वेश्चन नंबर 1 लर्न करना है, लेकिन आपने क्वेश्चन नंबर 1 है। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक।